jazz in the mix. ये प्रोजेक्ट्स हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे युवाओं को, युवतियों को, अगर इस पर वो लोग काम करें तो ये प्रोजेक्ट उन्हें कहाँ ले जाएंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। ललित भाई को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है। पढ़े लिखे हैं, बीटेक कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, आईटीआई है, इंटर है, बीए कर रखा है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बीटेक, आईटीआई और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हाई स्कूल जो लोग करके घूम रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो ललित गौतम जी ने दिखाया हमारे गांव में। ललित सर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये समाज है ये बहुत बैकवर्ड है और इस प्रोजेक्ट के जरिए वो आगे बढ़ सकता है। सभी से ये गुजारिश है समाज के लोगों से, युवाओं से, कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े। ग्राम अम्बेडकर नगर से इस प्रोजेक्ट पर हमारी टीम कार्य करने के लिए तैयार हो गई है। तो दोस्तों, गांव-गांव जाकर युवाओं को जगाना और उनको अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने के मिशन में आज हमारी टीम निकल रही है जिला अमरोहा का गांव अंबेडकर नगर की ओर। सबसे पहले मैं ललित भाई को बधाई देना चाहता हूँ जो इतना कीमती समय निकालकर दिल्ली से और इतनी व्यस्त लाइफ में होने के बाद मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद और यहाँ हमारे पास के अंबेडकर नगर गांव में पधारे हैं। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, जो हमारा आने वाला कल है वो दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा है क्योंकि उनको पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है काम करने के लिए। जैसा कि आपने देखा था कि हमने गाँव नवीपुर के युवाओं को अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा था ताकि वो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम कर सकें, उसी प्रकार से युवाओं को और यहाँ के युवतियों को भी अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन लफड़ों में मत पड़िए, इन पचड़ों में मत पड़िए। अपना सिर्फ एक ही उद्देश्य बनाइए कि हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं और हम एक स्वाभिमान का जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मैं निकल चुका हूं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए और तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए। मैं जा रहा हूं हर उस गांव में जहां के युवा जो लाचार हैं, मजबूर हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन लाचारी में, गरीबी में कुछ कर नहीं पाए, ऊँची शिक्षा ले नहीं पाए, किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ नहीं पाए और कोई अच्छी डिग्री ले नहीं पाए। अंग्रेजी बोलना तो बहुत दूर की बात है, अंग्रेजी को कभी पढ़ा भी नहीं उन लोगों ने। व्यवस्था ही कुछ इस तरह की है कि जो गांव के गरीब शोषित जो युवा हैं वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात तो बहुत दूर की बात है, वहां तक वो झांक भी नहीं सकते। फिर भी उनको एक आशा थी कि हम कुछ करें, लाइफ में कुछ आगे बढ़ें। तो उसी आशा को आगे बढ़ाते हुए
लोगों से मैं कनेक्ट होता हूँ, उन्हीं लोगों से मैं मिलता हूँ, उन्हीं युवाओं को, चाहे वो बगैर पढ़े लिखे हैं, उन्हीं युवाओं को मैं आगे बढ़ा के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में डायरेक्ट उनसे काम कराने के लिए उनको पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर हम उनको टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट उनसे काम कराएंगे। मैं उनको, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा चैलेंज है कि उन युवाओं को जिनको अंग्रेजी भी नहीं आती और जिनको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता, मैं उनको 2 महीने के अंदर अंदर माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा, उनको ब्लूटूथ कैसे काम करता है, वाईफाई कैसे काम करता है, माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है और इससे किस कैसे कैसे डिवाइस बनाए जा सकते हैं, और हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी टेक्नोलॉजी जो डेवलप करेंगे, उस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हम उन युवाओं को डायरेक्टली उसमें काम कराएंगे, भले ही उनके पास कोई डिग्री ना हो, भले ही उनको अंग्रेजी ना आती हो, लेकिन उसके बावजूद हम उनको काम करा के विश्व को ये दिखाएंगे कि ये वही युवा हैं जो लाचार थे, मजबूर थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत करके कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम किया है। हम सड़कों पर जय भीम नहीं चिल्लाएंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करेंगे, युवाओं को अपने इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ेंगे। मैं जय भीम तब बोलूँगा जब मैं अपने युवाओं को अपने इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ूंगा, मैं जय भीम तब बोलूँगा जब हमारा विश्व ये देखेगा कि इन युवाओं ने जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम किया है, भले ही उनके पास संसाधन नहीं थे, भले ही वो लाचार थे, भले ही वो गरीब थे, पर उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो विश्व के सामने एक प्रतीक रहेगा, विश्व के सामने एक सीख रहेगी, एक विश्व के सामने एक एग्जाम्पल बनेगा, मैं तब बोलूँगा जय भीम। आप ये मत सोचिएगा कि कोई बाहर से आएगा और आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने का न्योता देगा, नहीं दोस्तों, हम ही सब लोगों को ये काम मिलजुल के खुद करना पड़ेगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। बाबा साहब ने अपने संविधान में रिजर्वेशन या आरक्षण का एक प्रावधान दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ नौकरी पाने के लिए आरक्षण के भरोसे बैठे रहें। दोस्तों, ये सिर्फ हमको एक ही जीवन मिला है, इसी जीवन में हमें सब कुछ करना है। यदि हम सिर्फ नौकरी के ही भरोसे बैठे रहे तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे आगे खुला आसमान है दोस्तों, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क है, हम बहुत दृढ़ संकल्प हैं हमारे अंदर, हम बहुत मेहनती हैं, क्यों ना हम सब इकट्ठे होके इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इकट्ठे होके साथ चलें और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करें। नौकरी के पीछे भागने से आप सिर्फ नौकर ही बनोगे, लेकिन यदि आप मालिक कैसे बनते हैं, अगर आप उस रास्ते पर जाओगे तो आप आगे चलकर मालिक भी बनोगे, लेकिन सबसे पहले उस रास्ते पर जाने के लिए आपको अपना पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा। आप भी हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि देश का कोई भी न्यूज़ चैनल आपको इन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए जो हमारा सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे गाँव का हर वो युवा और हर वो युवती जो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, इसी के साथ अपने मित्र ललित कुमार को अब आज्ञा दीजिए, मैं निकल रहा हूं अपने अगले पड़ाव की ओर, किसी दूसरे गांव की ओर, वहां पे जाके युवाओं से बात करेंगे और उनको अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। दुनिया